अगर आप एक फैशन डिजाइनर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसी एप्लीकेशन शेयर करने जा रहा हूं जिसका यूज करके आप लोग किसी भी कपड़ों के कलर्स को, कपड़ों के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आप लोग भी जानना चाहते हैं ये कौन सी एप्लीकेशन है, तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन पे टैप करके ऑन कर देना है। तो सबसे पहले मैं गूगल प्ले स्टोर को ओपन करके सर्च बार पे टाइप करता हूँ स्टाइल लैब। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पे एप्लीकेशन मिल जाएगी, तो आपने यहाँ से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। लेकिन आपको इस एप्लीकेशन के अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लेकिन वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है, आपने इसके ऊपर टैप करते जाना और उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन का होम पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये बोल रहे हैं कि ये पेड है, आप यहाँ पे कुछ पैसे ऐड करके आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने इसको कैंसिल कर देना है। और आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपने फ्री में कैसे यूज करना है इस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लस का, तो आपने इसके ऊपर टैप करना है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक कैमरे का और एक गैलरी का। आपने गैलरी पे टैप करना है और आपके मोबाइल फोन की गैलरी ओपन होगी। तो यहाँ से आपने एक फोटो सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ऊपर टेक पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे एक लोडिंग होगी और एक न्यू पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपका फोटो आपका ऐड हो जाएगा। और नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, अगर यहाँ से जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पे ड्रेस सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि सूट को सिलेक्ट किया है। उसके बाद नीचे आपको चूज स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपने एक स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टाइल सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपने सिंपल इसके ऊपर टैप कर देना है। जब यहाँ पे टैप करते हैं तो एक लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे तीन डिजाइन मिल रहे हैं, आपके जो कपड़ों के डिजाइन है वो यहाँ पे आपको तीन मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पहले नंबर पे इस तरह का डिजाइन है और दूसरे पे ये और तीसरे पे ये। दोस्तों आप इस तरह से अपने कपड़ों के डिजाइन चेंज कर सकते हैं अपने फोटो के ऊपर से। तो अब दोस्तों आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो ऊपर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, आपने सिंपल डाउनलोड पे टैप करना है और ये आपके मोबाइल फोन के अंदर सेव हो जाएंगे। तो अब दोस्तों यहाँ से मैं बैक आके दोबारा से फोटो के कपड़ों को चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं चेंज करूंगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप यहाँ पे फ्री में चेंज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे कुछ पेमेंट देंगे उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन को फ्री में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको प्रॉब्लम मिलती है अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, लेकिन इसका हल भी मेरे पास है। आपने क्या करना है कि आपने जो वीडियो ओपन की हुई है, आपने इसी वीडियो के टाइटल पे टाइप करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन होगी और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है मोर का, आपने मोर पे टैप करना है और थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाता है। आपने सिंपल इस लिंक के ऊपर टैप करके गूगल के अंदर आ जाना है। तो यहाँ पे आपने व्यू चैनल पे टैप करके अपनी व्हाट्सएप को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं वीडियो के अंदर जितने भी लिंक यूज करता हूँ वो तमाम लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप चैनल ओपन हो चुका है, तो आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो आपने फॉलो कर देना और साथ में बेल के ऊपर टैप करके ऑन कर देना है। उसके बाद आपने नीचे लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे ये आपको लिंक मिल जाता है जिसको आप फ्री में डाउनलोड करके फ्री में उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं बगैर पैसे दिए।